ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो आजकल बहुत लोगों में देखी जा रही है। जब हम किसी सिचुएशन को बार बार सोचते हैं या ज्यादा चिंता करते हैं तो उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। ये अक्सर तब होता है जब लोग किसी डिसीजन को लेकर परेशान होते हैं या फिर किसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते हैं या दिमाग में रिकॉल करते हैं। ओवरथिंकिंग कई रीजंस की वजह से लोग करते हैं। उनमें से एक मेन रीजन होता है परफेक्शनिज्म। लोग चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो और इसलिए वो हर एंगल से सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। दूसरा रीजन होता है फियर ऑफ फेलियर, जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर उनका डिसीजन गलत हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्लोज वंस कैसे रिएक्ट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो आपके आसपास बहुत देखने को मिलती है एंड आई एम श्योर आप खुद भी ओवरथिंकिंग का शिकार रहे होंगे। लेकिन ओवरथिंकिंग जितनी आसान लगती है उससे कई गुना ज्यादा आपके लिए खराब भी होती है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? तो पहला, ये मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती है। जब हम बार बार एक ही बात को सोचते हैं तो हमारी बॉडी में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये हमें खुद पर विश्वास नहीं करने देता और इससे हम सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ओवरथिंकिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। जब हम किसी डिसीजन को इतना सोचते हैं तो हम एक्शन लेने में देर कर देते हैं। इससे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे हाथ से निकल जाती है। ओवरथिंकिंग हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है। जब हम अपनी सोच में इतना उलझे रहते हैं तो हमें अपने आसपास की खुशियों का भी अंदाजा नहीं लगता है। इसलिए ओवरथिंकिंग से बचना बहुत जरूरी है। हमें सीखना चाहिए कि कुछ चीजें सिंपली एक्सेप्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। इन टुडेज एपिसोड ऑफ व्हाट द हेल्थ आई एम गोइंग टू शेयर सम इफेक्टिव टिप्स टू हेल्प काम योर माइंड एंड स्टॉप थिंकिंग। बट रिमेंबर, it will only work if you actually implement these strategies, so make sure you watch the video till the end. mindfulness practice karna bahut helpful hota hai, lekin mindfulness hota kya hai? mindfulness practice aapko present moment par dhyan dene mein kafi help karta hai, jisse aap apne surroundings aur apne thoughts ko bina kisi judgement ke samajh sakte hain. aap meditation ya deep breathing techniques ka use karke apne dimag ko shant kar sakte hain. जब आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस रखते हैं आपकी एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग खुद ही कम हो जाती है। ये आपको एक तरीके का मेंटल ब्रेक देता है जिससे आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरा है रीशेड्यूल ओवरथिंकिंग। अगर आपको लगता है कि आप बार बार किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं या ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग सी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। एक स्पेसिफिक टाइम सेट करिए ओवरथिंकिंग के लिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ये काम करता है। हर दिन एक समय निकालो जिसे आप सिर्फ सोचने का टाइम रखें। इससे आपका पूरा दिन जो ओवरथिंकिंग में है वो वेस्ट नहीं होगा और जब आप अपने सेट टाइम पर सोचने बैठेंगे तब आपको लगता है कि आप अपने थॉट्स को मैनेज कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव भी फील होता है। तीसरा, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जब भी आपको लगता है कि आप नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं तो खुद को चैलेंज करिए। खुद से पूछिए, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ ये सही है या सिर्फ मेरा अजम्पशन है? इस तरीके से आप अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हो। ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करने में और उन्हें कन्फ्रंट करके आप स्ट्रेस से बच सकते हो। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको अपने मेंटल स्पेस को क्लियर करने में हेल्प करती है। फोर्थ, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करो जो आपको पसंद हो या जो आपका पूरा अटेंशन मांगे। ये कुछ भी हो सकता है, कोई हॉबी, कोई एक्सरसाइज या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। डिस्ट्रैक्शन से आपका फोकस ओवरथिंकिंग से हट जाता है और आप अपने दिमाग को रिफ्रेश कर पाते हो। जब आप कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तो आपका मूड भी अच्छा होता है और आपका एनर्जी लेवल भी, जो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। फिफ्थ, गेट एनफ स्लीप। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको नींद की कमी होती है तो आपकी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाती है और ओवरथिंकिंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए रेस्टफुल स्लीप को प्रायोरिटी दो। नींद सिर्फ आपकी बॉडी को रिचार्ज नहीं करती बल्कि आपके दिमाग को भी फ्रेश करती है। अच्छी नींद से आप प्रॉब्लम्स को क्लियर पर्सपेक्टिव से देख सकते हो और आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। सिक्स, टॉक टू अ थेरेपिस्ट। अगर आपको लगता है कि आप ओवरथिंकिंग से नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी अच्छे थेरेपिस्ट से बात करना एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रोफेशनल्स आपको थोड़ा स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके अपने थॉट्स मैनेज करने में मदद करते हैं। ये बातें आपको अपनी ओवरथिंकिंग के रूट कॉजेस को समझने में भी हेल्प करेंगी, जिससे आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जब आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझेंगे तो फिर आप उसे अच्छे से डील भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, स्टार्ट जर्नलाइजिंग। अपने थॉट्स को लिखना भी एक बहुत इफेक्टिव और प्रूवन तरीका है ओवरथिंकिंग से डील करने का।
जनरलाइजिंग से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आपको अपने दिमाग की क्लैरिटी देने में हेल्प करता है। जब आप अपने दिमाग को लिख कर बाहर निकालते हैं तो आपको लगता है कि आपने उन्हें समझ लिया है। ये कैथार्टिक प्रोसेस है जो आपको इमोशनल रिलीज देता है और आपको ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस भी करवाता है। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि खुद को काइंडनेस के साथ ट्रीट करना, स्पेशली जब आप चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हो। प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन इज रियली अबाउट एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ विद काइंडनेस, स्पेशली ड्यूरिंग दोज चैलेंजिंग मोमेंट्स। इमेजिन हाउ यू वुड कम्फर्ट अ क्लोज फ्रेंड हुज फीलिंग डाउन। यू विल लिसन टू देम, एक्नॉलेज देयर पेन एंड रिमाइंड देम दैट इट्स ओके टू स्ट्रगल समटाइम्स। अब यही सेम चीज़ खुद पे अप्लाई करिए। व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, इंस्टेड ऑफ बीइंग हार्श और क्रिटिकल, पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वुड से टू समवन यू केयर अबाउट। मे बी यू वुड से इट्स ओके टू फील दिस वे, यू आर डूइंग योर बेस्ट। ऐसे ही आप खुद से बात करो। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हार्श या क्रिटिकल होने के बजाय खुद को समझाओ कि ऐसा होता रहता है एंड यू विल गेट बेटर। थिंक पॉजिटिवली। अपने दिमाग को पॉजिटिव आउटकम्स और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने की आदत डलवाएं। जब आप समझते हैं कि हर सिचुएशन का एक ब्राइट साइड होता है तो आपकी एंग्जाइटी कम होती है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ आपके मूड को अपलिफ्ट ही नहीं करता बल्कि आपकी ओवरऑल वेलबींग को भी इम्प्रूव करता है। इससे आपका आउटलुक ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है और आप जिंदगी के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। इन सब तरीकों को अपना कर आप अपनी ओवरथिंक को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने दिमाग को भी शांत कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी। हैव अ ग्रेट डे। कीप वॉचिंग फिट था।